Let's start the students some rules of indirect speech जो minor है. अभी तक हमने सारे पांचों पांच टाइप सीखे हैं. Assertive सीखा, interrogative सीखा, imperative सीखा, exclamation सीखा और साथ में optative sentence सीखा. लेकिन इन पांचों sentence को जोड़ के तुम्हारा paragraph बनता है. तो उस paragraph के कुछ rules है जो basically है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ और एक एक करके उसके एग्जाम्पल भी लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो याद रखना है, इफ द सेंटेंस इज असर्टिव, अगर दिया हुआ सेंटेंस असर्टिव है तो हमें सिंपली सेड टू की जगह टोल्ड यूज करना है. सेंटेंस असर्टिव, लास्ट में फुल स्टॉप है तो याद रखना. सेकंड सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के मार्क्स से आपको पता चल जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बराबर. लेकिन यहां पर स्पीकर फर्स्ट टाइम अपने लिसनर से कुछ पूछ रहा है या कुछ कह रहा है फर्स्ट टाइम, तो हम लोग आस्क्ड या तो इंक्वायर लिखेंगे किसकी जगह पर, सेड टू की जगह पर. फर्स्ट टाइम अगर स्पीकर लिसनर से कुछ पूछ रहा है या कुछ इंक्वायरी कर रहा है तो सेड टू की जगह पर आस्क्ड या इंक्वायर लिखेंगे. और आगे सेंटेंस में यही स्पीकर बोलने वाला सुनने वाले से सेकंड टाइम किसी चीज की मांग करता है या तो इंक्वायरी करता है तो अगेन आस्क्ड या अगेन इंक्वायर्ड इस तरह से लिख सकते हैं, या तो हम फर्दर आस्क्ड या तो फर्दर इंक्वायर्ड इस तरह से भी लिख सकते हैं. और उसी तरह से लिसनर जो सुन रहा है वो फर्स्ट टाइम अगर जवाब देता है तो हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, हम replied या तो answer, क्योंकि जवाब दे रहा है यानी क्या आएगा replied या तो answer. और यही listener पूछे हुए सवाल का second time जवाब दे रहा है तो again replied या तो again answered इस तरह से लिख सकते हैं. sentence के अंदर अगर speaker ने कुछ पूछा है और listener उसका जवाब yes दे रहा है तो यहाँ पर याद रखना है हमें replied positively इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करते वक्त लिखना है. यस अगर दिया है जवाब लिसनर ने तो रिप्लाइड पॉजिटिवली, उसी तरह से सुनने वाले लिसनर ने जवाब नो दिया है तो रिप्लाइड नेगेटिवली लिखा जाएगा. उसके अलावा आगे की टर्म देखते हैं, टू कनेक्ट द बोथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्पीकर एक ही स्पीकर अपने दिए हुए सेंटेंस में दो बार बराबर क्वेश्चन मार्क वाले यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछता है तो उसका आंसर लेंथी ना हो, बराबर. यानी रिपोर्टेड स्पीच में जब जवाब लिखेंगे तो उन दोनों क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या लिखेंगे, अगेन आस्क. क्या लिखेंगे, अगेन आस्क लिखेंगे ताकि हमारा एंड आंसर की लेंथ छोटी हो. उसी तरह से दिए हुए सेंटेंस में अगर दो असर्टिव सेंटेंस यानी स्पीकर जो बोल रहा है और एक बात छोड़कर दूसरी बात और बोल रहा है तो दोनों अगर फुल स्टॉप वाले यानी कि असर्टिव टाइप सेंटेंस है तो उसे जोड़ने के लिए एंड एडेड दैट लिखेंगे. टर्न इनटू इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त हम क्या लिखेंगे, एंड एडेड दैट, ताकि वो दो असर्टिव सेंटेंस जुड़ जाए. और दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया अगेन आस्क याद रखना है. उसके अलावा सेंटेंस में से सर मैडम जैसे सेंटेंस या तो ऐसे वर्ड निकल जाएंगे और उसकी जगह रिप्लाइड विद रिस्पेक्ट लिखा जाएगा क्योंकि ये सम्मानजनक वर्ड है सर और मैडम, तो उसे निकाल कर एक योर हाइनेस भी आता है उसे निकाल कर हम क्या लिखेंगे, रिप्लाइड विद रिस्पेक्ट. उसके अलावा अगर सेंटेंस में डियर दिया है तो टोल्ड लविंगली लिखेंगे. अगर किसी से माफी मांग रहे हैं बराबर तो सॉरी दिया है तो अपोलोजाइज लिखेंगे. उसके अलावा सेंटेंस में ओके और वेल दिया है तो उस सेंटेंस में से उस वर्ड को निकालकर एग्रीड विद लिखेंगे. ओके यानी वेल यानी इसका मीनिंग आप किसी की बात से सम्मत, बराबर. तो यहां पर ये चीजें याद रखनी है हमें, सर मैडम जैसे वर्ड सम्मानजनक वर्ड निकल जाएंगे उसकी जगह जवाब में रिप्लाइड विद रिस्पेक्ट, डियर जैसा वर्ड जो है निकल जाएगा उसकी जगह टोल्ड लविंगली,
सॉरी वर्ड सेंटेंस में दिया है, आप माफी मांग रहे हैं या तो सॉरी बोल रहे हैं, तो आंसर्ड में सॉरी नहीं लिखेंगे, रिप्लाई अपोलोजाइज लिखेंगे या तो अपोलोजाइज करके लिखेंगे। ओके और वेल जैसे सेंटेंस निकल जाएंगे, उसकी जगह एग्रीड विद लिखेंगे। अब हमने जो रूल्स लिए हैं उसके एक एक एग्जाम्पल लेकर जाते हैं, जो टिपिकल है वही लेंगे। तो जैसे यस वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जिस सेंटेंस में रिप्लाइड यस हो, तो भाविका सैड टू नीरव, आर यू रेडी नाउ, तो भाविका नीरव से कह रही है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस फर्स्ट टाइम है तो क्या आएगा आस्क, सेकंड टाइम में पूछेगा, अगर भाविका सेकंड टाइम नीरव से क्वेश्चन पूछती तो अगेन आस्क, फर्स्ट टाइम है तो आस्क। लेकिन जवाब में नीरव ने क्या कहा है, यस, क्या कहा है, यस, बराबर। तो देखो सेंटेंस बनेगा, वही क्वेश्चन मार्क है, तो भाविका आस्क नीरव, और सेंटेंस देखो डायरेक्ट सपोर्टिंग यानी कि सपोर्टिंग वर्ब से शुरू होता है, तो हम यहाँ पर कंजक्शन इफ अप्लाई करेंगे, मैंने आगे आपको चलाया हुआ, बराबर, डब्ल्यू एच हाउ होता तो इफ यूज होता नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ ही वॉज रीडिंग, नाउ की जगह क्या होगा, देन, तो नीरव ने जवाब दिया भाई, बराबर, यस, तो क्या आएगा, तो नीरव रिप्लाइड पॉजिटिवली टू भाविका दैट ही वॉज, बराबर, यस जवाब दिया तो क्या आएगा, रिप्लाइड पॉजिटिवली टू भाविका दैट ही वॉज, जवाब हाँ ही है, यानी अपन पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, बराबर, और पास्ट टेंस में ही आंसर आएगा क्योंकि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। सेकेंड सेंटेंस, प्रीतम सेड हैव यू सीन माई हाउस, नो सेड आई, यानी मुझसे कहा है, तो जवाब क्या आएगा, प्रीतम आस्क्ड मी, बराबर, मुझसे पूछा है, इफ आई हैड सीन हिज हाउस, क्या मैंने उसका घर देखा है, तो जवाब क्या था, नो था, तो जवाब में आएगा, आई रिप्लाइड नेगेटिवली टू हिम दैट आई हैड नॉट, या तो आई हैडन, आंसर पूरा लिखा जाएगा। ये हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ और टफ एग्जाम्पल होंगे जो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और पैराग्राफ जब जब स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको ये सारी चीजें उसमें रिवाइज करवा दूंगा और आपको सारे रूल्स भी याद करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।